हम इसको ले आते हैं मीन टर्म में और मैक्स टर्म में। तो हेडिंग अब हो जाएगा मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। मीन टर्म और मैक्स टर्म, जब भी मीन टर्म और मैक्स टर्म करते हैं तो वही चीज जो हमने एक्सप्रेस किया है उसी का यूज करते हैं। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया और प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया, मतलब कि मीन टर्म को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट पार्ट का होता है, और मैक्स टर्म को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको POS कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब मीन टर्म मैक्स टर्म की वैल्यू कैसे होगी ये हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ इनपुट से। सपोज देयर आर टू इनपुट्स, सपोज देयर आर टू इनपुट्स, तो n इज इक्वल टू टू है तो टेबल कितना बनेगा, टू के पावर टू इज फोर, टू के पावर टू इज फोर, तो जो टेबल बनेगा वो ए बी, ये ए बी का टेबल बन गया, और ए बी का यदि टेबल बन रहा है तो जो पॉसिबिलिटी होगा वो जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गया दो इनपुट के लिए। अब इस दो इनपुट में पहला पॉइंट क्या है, मीन टर्म स्मॉल एम एसओपी क्या, तो एसओपी में हम ये कहते हैं कि नॉर्मल जो आउटपुट हो वो वन हो, नॉर्मल आउटपुट क्या हो वो वन हो, और एसओपी क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो दो यदि इनपुट है तो दो इनपुट में क्या होगा, ए बी ए इंटू बी, पहले प्रोडक्ट होगा और तब सम होगा, तो पहले दो इनपुट है तो दो का इनपुट प्रोडक्ट हो गया, तो जीरो और जीरो, जीरो जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो और जीरो का प्रोडक्ट होगा जीरो। हमको वन ले आना है, वन कब आएगा, वन ऐड करेंगे, वन तब आएगा जब वन और वन का प्रोडक्ट हो तभी वन आएगा। यस सर, इज इट क्लियर, वन का प्रोडक्ट होगा तभी वन आएगा। तो यदि ए का मान जीरो है और बी का मान जीरो है तो वन कब हो सकता है, ए बार और बी बार हो, बी बार तभी वन, ठीक है, ए बार और बी बार होगा तभी वन होगा, और तब वन यहाँ हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम एम जीरो कह रहे हैं पहला टर्म, तो एम जीरो का मतलब क्या होगा, ए बार इंटू बी बार, ठीक है। अब दूसरा टर्म, मतलब ये यदि एम जीरो को पहला कह दिया गया तो दूसरा टर्म हो गया एम वन, एम वन के लिए क्या होगा, ए जीरो इंटू वन, तो जीरो इंटू वन का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, तो ये वन कब हो सकता है, जब ए बार इंटू बी हो, ए बार हो और फिर बी हो, है ना, तो ए बार जीरो है, जीरो का बार क्या होगा वन, तो वन इंटू वन, तो ये हो गया ए बार बी। एम टू क्या होगा, एम टू में जीरो बी बार, तो ए वन है, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, तो बी का बार हो गया तो जीरो का वन हो गया। और एम थ्री क्या होगा, ए इंटू बी, ए भी वन है और बी भी वन है, तो ये आपका मीन टर्म इंटू बी यहाँ पर, ठीक है। अब यदि ये आप मीन टर्म आपने दो इनपुट का समझ लिया है तो मुझको मैक्स टर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से मैक्स टर्म आप समझ सकते हैं। मैक्स टर्म में एम कैपिटल
और ये होगा इसका आउटपुट जीरो, ठीक है। तो एम जीरो, एम जीरो का मान जीरो होगा कब, जब इसका सम हो ए प्लस बी, ए प्लस बी जीरो कब होगा, जब जब दोनों जीरो होगा तब, जब दोनों जीरो है, जब ए भी जीरो बी भी जीरो हो। बिल्कुल सही। और कैपिटल एम वन ये जीरो कब होगा, सब जब सर बी की जगह बी बार हो, बी बार हो, तो ए प्लस बी बार हो गया। यस सर। और एम टू में ए बार हो, एम टू में क्या होगा, ये जीरो ए बार होगा? ये जीरो होगा ए बार प्लस बी, प्लस बी ए बार बी। एम टू कब होगा, एम थ्री दोनों जीरो हो, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, बी बार। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया मैक्स टर्म और मीन टर्म। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर आप पहले ही जो है उसको, मतलब जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट करें, तो जैसे आप ए बार और बी बार करके तब ऐड किए, और नहीं आप उसको, क्योंकि हमको फाइनली आउटपुट जीरो या वन लाना है, तो लास्ट में हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो लिटरल्स हैं, वही जो लिटरल्स हैं उस पे क्या मिलेगा, वही बात मिलेगी। हाँ, तो अगर मतलब जैसे कि आप पहले कॉम्प्लीमेंट करके तब एंड या और करते, मतलब मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं, तो अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई या प्लस करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो आंसर तो वही मिलेगा जैसे पहले है, क्योंकि हमको या तो जीरो लाएंगे मिन टर्म में या तो मैक्स टर्म में, मतलब मेरा कहने का मतलब या तो जीरो लाएंगे या तो वन लाएंगे। भाई आप ये देखिए कि यदि हम एक टेबल के एक्सटेंशन इस तरह से कर दें, है ना, और ये कह दें कि ये ए बार है, है ना, ए बार, तो ए बार में क्या होगा, ए यदि जीरो है तो ए बार वन होगा, जीरो है तो ये वन है, वन है तो जीरो होगा, और ये वन है तो जीरो हो गया। इसी तरह से बी बार के लिए भी हम एक लिख दें, तो बी जीरो है तो बी बार वन होगा, वन है तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो है तो ये वन हो गया, और वन है तो जीरो हो गया। अब ये देखिए कि हमको वन प्राप्त करना है, मान लीजिए मीन टर्म में हमें वन प्राप्त करना है, तो वन कब हो, मल्टीप्लीकेशन में जब दोनों वन हो, दोनों वन हो, जब ए बार हो और बी बार हो, ए बार इंटू बी बार। हाँ, तो ये जो ये हो गया ए बार इंटू बी बार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं हमने इक्वालिटी साइन दिया, ये हमने एनालिसिस करने के लिए किया था, ठीक है। तो एम वन क्या होगा, एम वन में वन होना चाहिए, वन यहाँ है, वन यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ ए बार के साथ बी हो गया, ए बार बी। एम टू में देखिए यहाँ वन है और यहाँ वन है, तो ये ए और ये बी बार हो गया, और एम थ्री के लिए क्या, वन वन यहाँ दोनों है तो ए और बी हो गया। तो चाहे जैसे भी करेंगे एक्सप्रेशन यही आएगा, एक्सप्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके लिए, ये हमने अभी लिया था एन इज इक्वल टू टू के लिए, एन इज इक्वल टू में कोई खास दिक्कत नहीं होता। अब हम आते हैं एन इज इक्वल टू थ्री के लिए, जब एन इज इक्वल टू थ्री होगा तो टू के पावर थ्री होगा, टू के पावर थ्री कितना होगा, एट, एट, है ना। तो अब हमको तीन इनपुट होना चाहिए, ए बी सी, ठीक है, तीन इनपुट होगा, तीन इनपुट के टेबल बनाइए। सर जीरो 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 वन वन वन, फिर जीरो वन, नहीं जीरो जीरो वन वन, जीरो वन वन, फिर जीरो वन, जीरो जीरो वन
जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन डबल जीरो वन जीरो वन 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 जीरो एंड वन वन और वन हो गया ना, तीन तीन इनपुट का ये हो गया। अब इस तीन इनपुट में हमको लेना है मीन टर्म, है ना, ये मीन टर्म का चाहिए। तो मीन टर्म में क्या लिख दे, पहले हम लिख देते हैं एम जीरो। मीन टर्म में आपको क्या चाहिए, वन चाहिए। कब वन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पे वन चाहिए। देखिए थोड़ा सा आप अपना ट्रिक भी ध्यान में रखिए, नाम है मीन, वैल्यू क्या चाहिए, वन मैक्सिमम। तो जो इनपुट है उसमें मैक्सिमम कब होगा, तो एम जीरो का मान क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। क्यों, तीनों तो जीरो है और तीनों का मल्टीप्लीकेशन वन कब होगा, जब तीनों का बार होगा। ठीक है, यस बार बी बार और सी बार का मल्टीप्लीकेशन। दूसरा हो गया एम वन, एम वन में देखिए सी का मान वन है तो ए और बी दोनों जीरो है, तो इसका वन कब होगा, जब इसका बार कर देंगे, तो ए बार इंटू बी बार इंटू सी। ठीक है, सी ऑलरेडी वन है, यहां देखिए ए जीरो है और सी जीरो है और बी वन है, तो तीनों वन कब होगा, जब ए बार हो और सी बार हो। तो दिस एम टू, एम टू इज इक्वल टू ए बार बी सी बार। ठीक है, एम थ्री कब होगा, एम थ्री में देखिए, एम थ्री में ए जीरो है बी और सी वन है, तो ए बार बी सी हो गया, ए बार बी और सी, बी और सी वन है ही है। एम फोर में, एम फोर में देखिए ए वन है और बी और सी जीरो है, तो बी बार और सी बार कर दें, तो ए बी बार और सी बार होगी। ठीक है, एम एम फाइव में क्या होगा, एम फाइव में वन ए वन है और सी वन है, बी जीरो है, तो बी को बी बार कर दें, तो ए बी बार सी। और एम सिक्स में, एम सिक्स में क्या है, ए और बी वन है सी जीरो है, तो सी को सी बार कर दें, तो ए बी और ये हो गया सी बार। और एम सेवन में क्या कर दें, तीनों वन है, वन वन वन, तो ये क्या होगा, ए बी और सी। इज इट क्लियर, बोलिए। यस सर। हाँ सर, मतलब अब क्या होगा कि हम सीधे जो एक्सप्रेशन, अब आप वाई का जो एक्सप्रेशन आपने लिखा था वो इसी में से कोई एक्सप्रेशन रहा था, है ना, तो बजाय ए बार बी बार सी या ए बी सी लिखने का, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैक्स टर्म में, कैपिटल एम, कैपिटल एम में एम जीरो, एम जीरो का मान क्या है, जीरो होना चाहिए, कब, एडिशन में। तो तीनों यदि जीरो है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जीरो है तो जीरो हो गया। अब एम वन में, एम वन में तीनों जीरो होना चाहिए, तो ए ए जीरो बी जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी वन है तो सी वन की जगह पे क्या कर दे, सी बार, सी बार हो गया तो जीरो, तो ए प्लस बी प्लस सी बार हो गया ये। फिर एम टू में आइए, एम टू में क्या होगा, ये देखिए ये जीरो है ये वन है ये जीरो है, तीनों जीरो होना चाहिए, तो बी को जीरो कर दे, तो बी को जीरो कब हो जाए, बी बार यूज करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एम थ्री में आइए, एम थ्री हाँ यस, एम थ्री में देखिए ए जीरो है, ठीक है, बी और सी वन है, तो बी बार कर देंगे तो जीरो, सी बार कर देंगे तो जीरो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, एम फोर में, एम फोर में
ये वन है ना, ए इज वन, बी जीरो, सी जीरो, तो ए बार कर दीजिए, तो ए बार प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब एम फाइव में आइए, एम फाइव में आइए, तो एम फाइव में क्या है, ए वन है, बी जीरो है, सी वन है, तो बी तो ठीक है, ए को जीरो करना है और सी को जीरो करना है, तो ए बार सी बार कर दे, तो ये ए बार प्लस बी प्लस सी बार हो गया। एम सिक्स में, एम सिक्स में ए वन है, बी वन है, सी जीरो है, तो सी तो ठीक ही है, ए और बी को बार कर दीजिए, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी। और एम सेवन में क्या है, एम सेवन में तीनों वन है और तीनों जीरो करना है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तीनों को हम इस तरह से कर दिए, तो ये आपका मैक्स टर्म हो गया। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। हुआ कुछ? यस सर। मैक्स टर्म और मीन टर्म, अब दो हम पुराना एक्सप्रेशन ही लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में दो इक्वेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन किस से, एसओपी से लेते हैं। एसओपी में क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में मान लीजिए वाई इज इक्वल टू है ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ये एग्जाम्पल आया था, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, मीन टर्म, एसओपी माने क्या हो गया, मीन टर्म है, मीन टर्म माने स्मॉल एम से, तो ए बी सी, ए बी सी मीन टर्म को क्या लिख सकते हैं, एम सेवन, ठीक है, मीन टर्म को क्या लिख सकते हैं, एम सेवन, ए बी सी बार, ए बी सी बार क्या था, एम सिक्स, सॉरी दिस इज एम सिक्स प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी क्या है, एम थ्री, एम थ्री, एम थ्री, ए बार बी सी इज एम थ्री, तो एम सेवन, एम सिक्स और एम थ्री। अब इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, समेशन, क्यों, एडिशन है किसका, मीन टर्म का, कौन कौन मीन टर्म है, थ्री सिक्स और सेवन, थ्री सिक्स और सेवन। तो अब ये वाई जो होगा, वाई एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे एम समेशन ऑफ एम थ्री सिक्स सेवन। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ कुछ बात समझ आ रहा। अब देखिए दूसरा प्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं पीओएस का, एग्जाम्पल टू, पीओएस, पीओएस का मतलब मैक्स टर्म, मैक्स टर्म इज कैपिटल एम, तो एक्सप्रेशन मैक्स टर्म्स का हो गया, वो एक्सप्रेशन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा टर्म हो गया ए प्लस बी प्लस सी बार, और तीसरा है ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस सी, यही हो ना? यस सर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कहाँ है, ये एम जीरो है ना, एम जीरो ये हो गया, उसके बाद क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बार एम वन हो गया, दिस इज एम वन, और ए बार प्लस बी प्लस सी बार ये क्या हो गया, ये एम फोर हो गया, हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एम जीरो, एम वन और एम फोर है, तो इसके लिखने का जो तरीका हो गया वो मल्टीप्लीकेशन को पहले पाई से कर देते हैं और फिर कैपिटल एम कर देंगे मैक्स टर्म, किसका किसका, जीरो
वन और फोर, ये वाई हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं। एग्जाम्पल वन को हमने लिख दिया y इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल m 3, 6 और 7, और एग्जाम्पल टू में लिख दिया, एग्जाम्पल टू में y इज इक्वल टू पाई कैपिटल m 0, 1 और 4, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क। कि जो एक्सप्रेशन था, देखिए जो एक्सप्रेशन था उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। हाँ बोलिए सर। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है सर, वैसे मतलब क्वेश्चन भी वैसे ही, मतलब कहने का मतलब ऐसे ही रहेगा ना, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा। अब एक हम टेबल बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल से, रैंडम टेबल है, उस टेबल से मीन टर्म और मैक्स टर्म निकालेंगे, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट वन। तो एग्जाम्पल सर, ये एग्जाम्पल है ना, मतलब हमको यही हमको मतलब मिले, मतलब यही हमको पूछता पूछेगा ना कि हमको रैंडम टेबल से मीन टर्म या मैक्स टर्म निकालना है। ऑन द गिवन टेबल, ऑन द गिवन टेबल फाइंड आउट द एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस of mean term and max term, ठीक है, mean term and max term। तो टेबल है, दिस इज ए बी सी एंड वाई, आउटपुट वाई है, ए जीरो बी जीरो सी जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन, हो गया ऑल पॉसिबल, है ना। ये स्टैंडर्ड इनपुट्स हो गए। अब इस स्टैंडर्ड इनपुट से जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट कोई जरूरी नहीं कि जो आउटपुट जो भी मिले उस आउटपुट के आधार पर हमको मैक्स टर्म और मीन टर्म निकालना है। आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो वन जीरो जीरो, वन जीरो वन वन, ये आउटपुट मिला। कितने आउटपुट मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इनपुट आउटपुट मिल गए। अब इसमें मीन टर्म कौन होगा और मैक्स टर्म कौन होगा, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मीन टर्म, मीन टर्म कौन होगा इसमें, मीन टर्म वो होगा जिसका आउटपुट वन होगा, जीरो आएगा जी, आउटपुट जिसका जीरो होगा, जिसका आउटपुट वन होगा। हाँ सर, वन का मल्टीप्लिकेशन मीन टर्म में तो आउटपुट वन होगा, मीन टर्म में आउटपुट वन होगा, वन होगा। तो ये चार मीन टर्म हो गए। अब चार मीन टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा है, दिस इज एम वन, ये एम वन हो गया, फिर ये M2, M3, फिर M4 हो गया, M4, फिर क्या हो गया M6 और M7, ये तो मीन टर्म हो गया, ठीक है सर। अब मैक्स टर्म क्या होगा इसमें, जिसका जीरो होगा आउटपुट, जिसका रिमेनिंग पार्ट जीरो होगा। तो मैक्स टर्म जो होगा
मैक्स के लिए जीरो और मीन के लिए क्या था वन, तो ये हो गया और फिर ये हो गया है ना, फिर ये हो गया ठीक है। तो मैक्स में क्या होगा, दिस इज कैपिटल एम जीरो, ये क्या yes, होगा दिस इज कैपिटल कैपिटल एम टू, फिर ये क्या होगा कैपिटल एम थ्री और ये क्या होगा कैपिटल एम फाइव ठीक है, कैपिटल एम फाइव। तो एक्सप्रेशन है ना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, एक्सप्रेशन पूछ रहे थे एक्सप्रेशन। तो पहला एक्सप्रेशन हम लेते हैं किसके लिए, मीन टर्म के लिए है ना, मीन टर्म का एक्सप्रेशन दैट इज एम वन, एम वन प्लस एम फोर प्लस एम सिक्स प्लस एम सेवन ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखते हैं, दिस इज समेशन, समेशन ऑफ स्मॉल एम वन फोर सिक्स सेवन ठीक है। और यदि इस एक्सप्रेशन का वाई लिख दें, वाई लिखे तो क्या होगा, दिस इज एमओ वन, एमओ वन में क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो दिस इज ए बार बी बार सी ठीक है। एमओ वन एम फोर क्या होगा, दिस इज ए बी बार सी बार प्लस एम सिक्स क्या हो रहा है ए बी और सी बार, और एम सेवन क्या होगा ए बी और सी। ये एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन का ये मीन और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया ठीक है। तो मीन टर्म दूसरा क्या है, मैक्स के लिए, मैक्स टर्म्स, मैक्स टर्म्स में वाई, वाई का एक्सप्रेशन लिखे तो एम जीरो, एम जीरो का मतलब क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, सीधे सीधे है ना, सब वन है जीरो है, तो यहाँ पे एम एम टू होगा, एम टू इज जीरो ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, और फिर क्या होगा एम थ्री, एम थ्री इज हियर, तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, सी बार क्योंकि सी भी वन है, और एम फाइव, एम फाइव जो है वन जीरो वन है, तो इट इज ए बार प्लस बी प्लस सी बार ठीक है। अब इसका मैक्स टर्म क्या होगा, दिस इज एम जीरो इंटू एम टू इंटू एम थ्री इंटू एम फाइव इंटू एम फाइव, तो इसको लिख सकते हैं पाई, पाई माने मल्टीप्लीकेशन कैपिटल एम जीरो जीरो टू थ्री फाइव जीरो टू थ्री फाइव। तो इसका मतलब कि ये जो टेबल दिया है, इस टेबल का एक्सप्रेशन लिखना है, तो मीन टर्म में एक्सप्रेशन ये हो गया और मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन ये हो गया ठीक है। और एक चीज जो हम स्केप करेंगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं होता है, नोट, नोट क्या है कि मीन टर्म और मैक्स टर्म ऑफ ए टेबल इज इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है। मीन टर्म मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अब इसके बाद जब हम आते हैं वो होता है कार्नो मैप पर, तो जब इसके बाद कोई क्लास लेंगे तो कार्नो मैप का क्लास लेंगे। हाँ बोलिए सर, इसमें जैसे लिखा है समेशन स्मॉल एम इनटू वन फोर सिक्स सेवन, तो